हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज सो इन दिस क्रैश कोर्स सीरीज जो एलएलएम का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है ये थर्ड क्लास है फॉर जूरस स्टूडेंट्स एंड आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पोजेशन एंड ओनरशिप सो दिस दिस विल बी योर थर्ड क्लास फॉर जूरस स्टूडेंट्स एंड ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इवन इन क्लाट पी एंड डिफरेंट examination so let's start with the class so yes so sabse pehle samajhte hain possession kya hota hai pehle possession se deal karenge and then we'll understand ki what is ownership so let's start with the possession so possession ka matlab hota hai possession means physical control over a thing matlab मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर physical control है मेरा तो मैं मे, वो मेरे पोजेशन पे है एंड ये प्राइम evidence होता है ownership का तो इसका क्या मतलब हुआ प्राइमा एविडेंस होता है सो so यूजली अगर कोई एक्स पर्सन आकर बोलता है कि दिस पेन सपोज ए के पास एक पेन है एंड एक्स आया एक्स ने बोला कि ये पेन एक्स का नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूफ करना कि ये पेन ए का नहीं है फॉल्स ऑन एक्स ए विल सिट बैक एंड जस्ट रिलैक्स ए को यहाँ पे नहीं प्रूफ करना है पहला बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्स तो ये प्राइमा एविडेंस होता है ओनरशिप का नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ थिंग्स गिव गुड टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर तो इसका मतलब ये होता है कि रियल ओनर को छोड़ के सपोज जैसे हमने बेलमेंट के कंसेप्ट में पढ़ा था कि फाइंडर ऑफ द गुड्स को बेलर कहा जाता है बेली कहा जाता है फाइंडर ऑफ द गुड्स को बेली कहा जाता है अब आपके पास गुड्स है मतलब आपके पास पुजेशन है चीज का तो पुजेशन आपको एक अच्छा टाइटल देता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बाकी सारी दुनिया के अगेंस्ट आपके पास बेटर टाइटल है बट जब ओनर पिक्चर में आता है व्हेन ओनर इज देयर इन द पिक्चर देन इन दैट सिचुएशन ओनर का बेटर टाइटल होता है अगर सपोज एक्स ने ये प्रूव कर दिया कि ये पेन एक्स का है तो उस सिचुएशन में बेटर टाइटल एक्स का होता है एंड ये एक केस में भी हमने देखा है that is versus Della ये एक important case है when it comes to possession. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था एक बॉय था एक्स वो चिमनी साफ कर रहा था वाई के घर पे एक्स वाई के घर पे जाकर चिमनी साफ कर रहा था तो एक्स को साफ करते वक्त चिमनी में एक गोल्डन इयर मिला ठीक है अब वाई ने बोला कि सिंस मेरे घर से मिला है तो ये इयर मेरा है बट एक्स ने बोला कि नहीं ये तो मुझे पहले मिला है मैटर जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जिसको मिला सबसे पहले जिसको मिला उसका करेक्ट पोजीशन है क्योंकि ये ये वाई का है या नहीं नहीं अभी तक पता नहीं चला था क्योंकि वो चिमनी में से मिला था अब वाई का है या नहीं ये तो नहीं पता था सो so, फर्स्ट जिसको मिला जैसे कि एक्स को मिला इन चिमनी फ्रॉम चिमनी तो यहां पर एक्स का बेटर पोजिशन था तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया अबाउट पोजेशन अब

ठीक है मेरा इंटेंशन भी है मेरे पास फिजिकल पावर भी है किस चीज के लिए कि मैं दूसरों को एक्सक्लूड कर सकू उस ऑब्जेक्ट का जिसका मेरे पास पोजेशन है उसको यूज करने से दूसरों को मैं एक्सक्लूड कर सकू सो सैजनी ने कहा कि इंटेंशन प्लस फिजिकल पावर ये दोनों इंपॉर्टेंट है जिससे हम दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को यूज करने से जिसका पोजेशन मेरे पास है नेक्स्ट देखते हैं पोलॉक ने कहा

मतलब मेरे पास कंट्रोल है चीज का और दूसरों को मैं यूज करने ना दू अगर मैं ऐसा पावर एक्सरसाइज कर सकता हूं तो इन दैट सिचुएशन आई एम हैविंग ऑफ द थिंग तो ये हो गया कुछ डेफिनेशन नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं तो पहला एलिमेंट है कॉर्पस पॉजिडिटी अब इसका क्या मतलब होता है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉर्पस पॉजिडिटी सो इट इज इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो मेरे पोजेशन में है उस पे मैं फिजिकल कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ अब यहाँ पे दो चीजें होती है ध्यान रखने की दैट इज कि रिलेशन ऑफ पोजेशन टू अदर पर्सन एंड रिलेशन रिलेशन ऑफ पोजेसर विद द थिंग्स पोजेस मतलब दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम कॉर्पस पॉसिडेंटी देख रहे हैं कि अदर पर्सन के साथ क्या रिलेशन है द वन हु इज हैविंग पोजेसर का अदर पर्सन के साथ क्या रिलेशन है और थिंग्स के साथ क्या रिलेशन है एंड फिजिकल कंट्रोल को हम बोलते हैं कॉर्पस पॉसिबैलिटी तो अगर हम अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर रहे हैं नॉन इंटरफेयर करवा सकते हैं मतलब अदर पर्सन का हम यूज उसको यूज करने से वो चीज को रोक सकते हैं तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि मेरे पास फिजिकल कंट्रोल है एंड पावर है मेरे पास फिजिकल पावर इंश्योरिंग एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दिंग अगर वो थिंग जिस चीज का पोजेशन है मेरे पास उस थिंग को मेरे पास कोई यूज करने का पावर इफ आई है पावर टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंगशन में आई हैव कॉर्पस पॉजिटैंडी तो दो चीजें देखनी है कि हम अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि नहीं उसके यूज से एंड सेकेंड मैं उसको खुद यूज कर सकती हूँ कि नहीं इफ आई कैन यूज इट फॉर माई ओन गुड एंड एक्सक्लूड अदर पर्सन देन आई हैव कॉर्पस टल so, yeah, मतलब एलिमेंट हो, हो गया कि मेरे पास फिजिकल कंट्रोल तो है अब इंटेंशन है कि नहीं उसको पुझेश, पुझेश करने का यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था केस में, सो उसमें क्या था कि वाई के चिमनी में से मिला था वाई के चिमनी में से मिला था लेकिन पोजेस्ट करने का तो इसलिए वाई, वाई का एनिमस नहीं हो था. वाई के घर के चिमनी में से मिला बट देर वॉज नो इंटेंशन बाई के पास कोई इंटेंशन नहीं था उसको पोजेस्ट करने का unless, वो को मिला था उस चिमनी में से वो बॉय एक्स को मिला था इसलिए ओनरशिप गया था इसलिए पोजेशन एंड ओनरशिप वेंट टू एक्स सो so, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इंटेंशन फर्स्ट इज इट इज इट इट इज नॉट नेुल मतलब जरूरी नहीं है कि इंटेंशन राइटफुल हो जैसे कि अगर मैं लू सपोज थीफ का एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्स है और कोई आया थी उसने हाथ से चुरा लिया मेरा पर्स तो उस सिचुएशन में उसके पास चला गया अब राइटफुल तो नहीं गया बस उसका इंटेंशन तो है उस पर्स को करने का सो अगेन यहाँ पर एनिमस पॉजिडेंटी फॉर्म हो रहा be है क्या मतलब होता है कि इंटेंशन कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इट मीन कि जैसे एग्जाम्पल है मास्टर की साइकिल सपोज ए गया मार्केट में और बी ने बोला सपोज ए को बी ने बोला कि आप मार्केट करके मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ ए को बी ने बोला कि आप मार्केट जाके मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ एंड यू कैन यूज माय साइकिल आप मेरा साइकिल ले जाओ मार्केट जाने के लिए तो उस सिचुएशन में बी के पास क्या है बी के पास पोजेशन है साइकिल का बी के पास इंटेंशन भी है इस साइकिल को प्रोजेस्ट करने का बट वो किस लिए यूज कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ ए यूज कर रहा है क्योंकि उसको मार्केट जाके सामान लाना है सो so ये होता है इंटेंशन कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स नेक्स्ट इज जनरल इंटेंशन अब इसमें एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ जनरल इंटेंशन मतलब क्या होता है जैसे सपोज uh, मैंने एक नेट डाला मैं फिशिंग करने गई हूं मैंने एक नेट डाला अब वहां पर

राइटफुल इंटेंशन हो या फिर इंटेंशन ओनर के बिहाफ में भी हो सकता है जनरल इंटेंशन भी हो सकता है या जरूरी नहीं कि ओनर के पास इंटेंशन हो हो सकता है टेनेंट के के पास पास हो हो या किसी भी एक्स पर्सन तो एनिमस एंड दोनों मिला करके पोजेशन बनाते हैं एंड देन पोजेशन डिसाइड होता है सो बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स एनिमस पॉजिडी एंड कॉर्पस पॉजिडिटी ये दोनों नेसेसरी है वेन यू डिस्कस पोजेशन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब काइंड्स देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं पोजेशन के बहुत सारे तरह के पोजेशन होते हैं तो पहला कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल पोजेशन होता है अब नाम से ही हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कॉर्पोरियल पोजेशन एंड व्हाट इज इनकॉर्पोरियल पोजेशन सो फर्स्ट इज कॉर्पोरियल का मतलब होता है कि कोई भी मटीरियल टैंजेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि लैंड हाउस वॉच ये पेन इन सब का पोजेशन अगर मेरे पास है तो वो हो गया कॉर्पोरियल पोजेशन इनकॉर्पोरियल पोजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपीराइट गुडविल पेटेंट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते हो वो होता है इनकॉर्पोरियल पोजेशन बट स्टिल मेरे पोजेशन में है तो दैट इज इनकॉर्पोरियल पोजेशन नेक्स्ट इज इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन तो इमीडिएट का मतलब क्या होता है एग्जांपल से मैं समझाती हूं जैसे ए ने बी को बोला कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए दस रुपए की ठीक है ए ने बी को बोला मुझे आपसे दस रुपए की एक चॉकलेट चाहिए अब बी ने बोला कि ठीक है आप ले लो चॉकलेट तो यहां पर जब चॉकलेट ए को मिला तो ए के पास इमीडिएट पोजेशन आ गया ठीक है इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा और एड करते हैं ए ने बी को बोला कि सी के शॉप से जाके चॉकलेट लेकर आओ ठीक है बी गया सी के शॉप बी ने चॉकलेट खरीद ली अब वो वापस आके जब तक ए को नहीं दे रहा है तब तक बी के पास है मीडिएट पोजेशन जब उसने आ करके ए को दे दिया तो ए के पास आ गया इमीडिएट पोजेशन मतलब पोजेशन तुरंत मेरे पास आता है तो दैट इज इमीडिएट पोजेशन बट अगर किसी के थ्रू मेरे पास आता है तो दैट इज मीडिएट पोजेशन डेफिनेशन देखते हैं When the possession is acquired or retained directly

टाइम मतलब अगर पोजेशन एक से ज्यादा लोगों के पास है सेम टाइम पे तो उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट या कॉन्करेंट पोजेशन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वहां पर ए ने बी को बोला कि सी के शॉप पे जाओ बी के पास क्या आया इमीडिएट पोजेशन चॉकलेट उसको मिला सी से इसके पास आया इमीडिएट पोजेशन और ए के पास क्या गया मिडिएट पोजेशन क्योंकि उसको बी के थ्रू मिला था तो यहां पर ये जो सिनारियो है यहाँ पे दो लोगों के पास पोजेशन है तो इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट या कॉन्करेंट पोजेशन एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो ये एक्चुअल पोजेशन नहीं होता है ये बट इन लॉ होता है इट इज पोजेशन इन लॉ एंड नॉट इन फैक्ट जैसे सपोज मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है मैंने गोल्ड ज्वेलरी को एक डिब्बे में बंद किया और उसको जाकर के बैंक के लॉकर में रख दिया ठीक है मेरे पास एक ज्वेलरी थी मैंने डिब्बे में बंद करके बैंक के लॉकर में जाके रख दिया मेरे पास इस ज्वेलरी का फिजिकल पोजेशन नहीं है फिजिकल पोजेशन कहा है बैंक में क्योंकि वो बैंक के लॉकर में है बट मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है मेरे पास पोजेशन इन लॉ है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो है तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज डिराइवेटिव पोजेशन एंडेशन आपने सुना होगा मतलब की मैंने लॉफुली सामने वाले से उसका पोजेशन डिराइव किया है जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं ए गया बी के शॉप पे और उसने बी को दिया अपनी वॉच कि आप इस वॉच को रिपेयर कर दो बी को राइटफुल पोजेशन मिला है ए के कंसेंट से बी ने छीना नहीं है उसको राइटफुल पोजेशन मिला है तो ये क्या हुआ डिराइवेटिव पोजेशन राइटफुली आपके कस्टडी में गया है यहां पर पोजेशन किसके पास है बी के पास पोजेशन भी है इंटेंशन भी है उसको रखने का जब तक वो उसको रिपेयर ना कर दे नेक्स्ट इज एडवर्स पोजेशन तो एडवर्स पोजेशन क्या होता है हमने सिविल uh, लॉ में पढ़ा है एडवर्स पोजेशन तो डू लेट मी नो कि किस सेक्शन में पढ़ा है और कौन से एक्ट में पढ़ा है हमने एडवर्स पोजेशन के बारे में इन द कॉमेंट बॉक्स आई गेट बैक टू यू विद द करेक्ट आंसर सो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है ब्रीफली देखते हैं सो इट इज अ अ अशनशन इज टू बी कॉल्ड एज एडवर्स मस्ट बी इनवेजन ऑफ द ओनरशिप ऑफ अनादर एंड इट शुड बी कंटिन्यूस ओपन पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने मेरा ओनरशिप नहीं है बट हम दूसरे के दूसरा जो एक्स पर्सन इज द ओनर ठीक है एक लैंड का एंड मैं वाई हु इज नॉट द ओनर वाई ने क्या किया इस लैंड को यूज किया ठीक है वाई ने इस लैंड को यूज किया और ये यूज कैसा है कंटिन्यूस है पीसफुल है और अनडिस्टर्ब है वाई ऐसा बता करके कि मैं ओनर हूं मैं ओनर हूं यूज कर रहा है और एक्स ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में वाई के पास आता है एडवर्स पोजेशन अच्छा एक और क्वेश्चन है कितने साल के बाद एडवर्स पोजेशन मिलता है दोनों सिचुएशन में प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में भी और गवर्नमेंट के केस में भी ये दोनों आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि एडवर्स पोजेशन प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के केस में कितने साल बाद मिलता है एक इंडिविजुअल को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी नेक्स्ट काइंड देखते हैं सो नेक्स्ट काइंड इज पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ ये सारे जो भी काइंड है बहुत इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन जब एग्जाम में एमसीक्यूज में में आता है 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 तो तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि derivative क्या है, या derivative and constructive same है क्या या एंड कंस्ट्रक्टिव सेम उस सिचुएशन वहां पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है कि एक्चुअली होता क्या है बिकॉज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि मोरल सब सेम है सिमिलर है वन थिंग इज रिलेटेड टू अनादर तो ऐसा ही है पोजेशन एंड ओनरशिप इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट अगर आप इसको अच्छे से समझो और बहुत रिलेटेड है बहुत

पंद्रह से बीस मिनट बाद मैंने वापस बादन लिया तो ये से बीस मिनट के टाइम तक मेरे पास वॉच नहीं थी ये पंद्रह से बीस मिनट के तक मेरे पास वॉच नहीं थी आई नॉट इन फैक्चुअल पोजेशन ऑफ द वॉच बट मेरे पास पोजेशन इन फैक्ट रहेगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस पोजेशन हो मैंने अगर थोड़ी देर के लिए रखा है और वापस मैं उसको लेने वाली हूं तो उस सिचुएशन में भी मेरे पास पोजेशन इन फैक्ट होता है सो so, It not be continuous desire to retain the possession. मेरे को अपने possession में रखना है मैंने उतार कर watch रखी है लेकिन मुझे वापिस वो watch पहननी है ये चश्मा मैंने उतार कर रखा है मुझे बट ये वापस पहनना है hai so, यहाँ पर होता है hai de facto possession पोजेशन इन लॉ का मतलब होता है ये तो डी जूरो पोजेशन होता है इट इज अ डी जूरो पोजेशन ये बाय लॉ होता है एंड पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ इट इज recognized एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिव वाले में कि थिंग्स लॉकर मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को एक डिब्बे में डाल के या फिर मैंने लॉकर में जाके रख दिया मेरे पास क्या है लॉकर की चाबी है और लॉकर में मेरा सामान है सामान का फिजिकल पोजेशन गोल्डन गोल्ड ज्वेलरी का पोजेशन मेरे पास नहीं है बट मेरे पास पोजेशन इन लॉ है सो इट इज समवेयर सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिव जो हमने पढ़ा था तो हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है अगर मान लो हमारे पास फैक्चुअल सिचुएशन आता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है आपके पास सपोज uh, मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरे घर के पेपर्स ठीक है मेरे घर के पेपर्स मैंने जाकर के कि क्या किए बैंक में रख दिए बैंक के लॉकर में रख दिए अब ऑप्शन आता है कि ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है पोजेशन इन फैक्ट है पोजेशन इन लॉ है या फिर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें पता है कि ये कंस्ट्रक्टिव और पोजेशन इन लॉ दोनों है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एंड पोजेशन इन लॉ दोनों है तो हमें वैसे ऑप्शन पर ही टिक करना है इफ यू है ऑप्शन बोथ ए एंड सी तो हमें उस पर ही टिक करना है अदरवाइज क्वेश्चन में वैसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा सो so, इस तरह का हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंट काइंड क्या है वो रिलेटेड कैसे होते हैं बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट इज मोड्स क्या है एक्वायर करने का पोजीशन तो डिफरेंट मोड्स जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं वो क्या क्या है तो फर्स्ट इज उसको बाय बाय टेकिंग टेकिंग इट इट हमने एक्वायर कर लिया अब इसका क्या मतलब होता है एन एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हु टेक्स द पोजेशन ऑफ थिंग्स तो मतलब मैंने मेरे को वो चीज चाहिए थी मैंने वो चीज ले ली सो इट इज बाई टेकिंग इट अब इसका टाइप क्या क्या होता है पहला ओरिजिनल सपोज एक्स पर्स एक्स जो कोई भी चीज है ये आ, ऐसी है ये किसी के पास है नहीं इट नॉट बिलोंग टू एनी जैसे कि वाइल्ड एनिमल एक वाइल्ड डॉग है अब ये किसी का नहीं है ये सड़क पे ऐसे घूमता है मैंने इसको घर पे ले लिया घर के अंदर बुला लिया ठीक है तो ये डॉग का मेरे पास ओरिजिनल पोजिशन आया पोजिशन ऑफ अ थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्सन और नो प्रीवियस ओनर कोई प्रीवियस ओनर नहीं होता है उस सिचुएशन में ओरिजिनल ओरिजिनल पोजेशन आता है टेकिंग से नेक्स्ट इज डेरिवेटिव पोजेशन ऑफ अ थिंग टेकन विच हैज हाँ, विच ऑलरेडी हैज हाँ प्रीवियस पोजेशन मतलब डेरिवेटिव में जैसा हमने थीफ वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि मेरा पर्स चुरा कर थीफ भाग गया या मेरे लैंड पर कोई पुरानी सी मशीन रखी हुई थी रात के टाइम पर आकर वो चोरी हो गई तो सिचुएशन में क्या हुआ जिसने चोरी की उसे मिला डेरिवेटिव Possession. उसे कौन सा पोजेशन मिला उसे डिराइवेटिव पोजेशन मिला क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे मेरे कंट्रोल में थी वो मेरे पोजेशन में थी बट सामने वाले ने उसे ले लिया तो वहां पर डिराइवेटिव पोजेशन गया नेक्स्ट होता है मोड बाय डिलीवरी एक हो गया टेकिंग एक हो गया डिलीवरी तो डिलीवरी में क्या होता है मतलब कि एक person ने voluntarily दूसरे के फेवर में रेलिंक्विश किया अपना टाइटल अपना पोजेशन तो ये बाय डिलीवरी होता है अब इसमें भी टाइप्स होते हैं डिलीवरी के भी कुछ टाइप होते हैं दो टाइप होते हैं डिलीवरी के पहला होता है एक्चुअल तो इसमें क्या होता है इमीडिएट गिवन टू ट्रांसफर दो तरह से होता है एक्चुअल डिलीवरी सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है इमीडिएट पोजेशन दिया जाता है जो हमने डिस्कस किया था कि आपको किसी के थ्रू नहीं मिलेगा जो बी वाले एग्जांपल था कि बी को बोला हमने आप चॉकलेट लेने जाओ तो किसी के थ्रू नहीं मिलेगा डायरेक्टली मुझे मिलेगा अब यहां पर क्या होता है वन मीडियट पोजेशन एंड अदर वेर होल्डर डिटेन जैसे मैंने एक वॉच आपको दी कि आप ये वॉच लेके जाओ रेंट पर दी मैंने आपको आप ये वॉच लेकर जाओ आप यूज कर लो अपने भाई की शादी में या एक्स पर्सन के फंक्शन में जो भी आप ये वॉच यूज कर लो बाद में मैंने आपको बोला कि ये वॉच आप खरीद भी लो तो यहां पर पहले मैंने आपको मीडिएट पोजेशन दिया ओनरशिप मेरा था बट मैंने आपको पोजेशन दिया रेंट पर दिया और बाद में जब मैंने आपको बेचा तो मैंने आपको इमीडिएट पोजेशन भी दे दिया वहां पर तो ये था कि पहले पहले मैंने मैंने अपने पास पास रखा फिर मैंने आपको दे दिया तो पहले मेरे पास था इमीडिएट अपनेशन देन आई ट्रांसफर इट टू यू तो ये हो गया डिलीवरी का पहला टाइप दैट इज एक्चुअल नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो अनादर टाइप ही होता है हमने पहले देखा बाई टेकिंग इट और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिलीवरी तो नेक्स्ट टाइप है डिलीवरी का सब टाइप है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ओनली मीडिएट पोजेशन इज गिवेन टू द ट्रांसफरी ट्रांसफरी को सिर्फ मीडियट पोजेशन दिया जाता है अब इसमें भी तीन टाइप होता है ट्रेडिशो बेरवी मानू अब इसका मतलब होता है सरेंडर ऑफ मीडिएट पोजेशन ऑफ अ थिंग टू वन हु ऑलरेडी हैज इमीडिएट पोजेशन मतलब किसी के पास इमीडिएट पोजेशन है तो हम उसको मीडिएट पोजेशन भी दे रहे हैं तो अब यहां पर कैसे दे रहे हैं जैसे ए ए सेम ने बी को वॉच दी और बाद में कहा कि आप ये वॉच खरीद लो मुझसे तो पहले मैंने इमीडिएट पोजेशन दी बी को उसके बाद मैंने मीडिएट पोजेशन भी पास कर दी तो यहां पर ट्रेडिशनल बी मनू का मतलब होता है कि पहले से जिसके पास इमीडिएट uh, पोजेशन था मैंने उसी को मीडिएट पोजेशन भी दे दिया नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम तो इसका मतलब होता है मीडिएट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड एंड द इमीडिएट पोजेशन इज विद द ट्रांसफरर मतलब कि मैंने मीडिएट पोजेशन तो ट्रांसफर कर दिया बट इमीडिएट पोजेशन मेरे पास है अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये एग्जांपल से मैं बताती हूं सपोज मैंने एक चेयर खरीदा मैंने एक चेयर खरीदा ए से और मैंने ए को बोला कि एक काम करो मैं मीनवाइल जा करके आ, अपनी कार लेकर आती हूँ जिसमें मैं चेयर ले जाऊंगी तब तक आप इसको रखो तो मेरे पास क्या आया मेरे पास आया मीडिएट पोजेशन ए के पास गया इमीडिएट पोजेशन वो कंट्रोल में किसके है वो ए के है वो ए के पास है जब मैं अपनी कार लेके जाऊंगी तब वो मेरे पास आएगा तो अभी मेरे पास इमीडिएट पोजेशन है और ए के पास इमीडिएट पोजेशन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ये सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर से ही आपको क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में कौन सा पोजेशन ट्रांसफर हुआ कौन सा नहीं ट्रांसफर हुआ तो ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी जरूरी है लास्ट इज अटोनमेंट तो यहाँ पर क्या होता है ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजेशन एंड इमीडिएट पोजेशन रिमेन्स विद थर्ड पर्सन तो यहां पर क्या होता है जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सपोज ए और बी के बीच में एक अरेन्जमेंट है जहां पे एक ट्रक है ए का एंड बी इज यूजिंग दैट ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बी यूज करता है बट ओनरशिप किसकी है ए की है ए ने क्या किया ये ट्रक बेच दिया सी को और सी ने बोला कि बी को यूज करने दो इसको फॉर ट्रांसपोर्टेशन बस ओनरशिप मेरी आ जाएगी

एक पर्सन से थर्ड पर्सन के पास गया लास्ट मोड इज ऑपरेशन ऑफ लॉ तो हमने टेकिंग देखा हमने ले लिया किसी से डिलीवरी डिलीवर deliver किया एंड लास्ट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे कि पोजेशन इज अक्वायर्ड बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर अब यहां पर एक पर्सन से दूसरे को गया जैसे जाता है लीगल एल्स को सपोज ए का डेथ हो गया है अब ए डाइड तो उसकी प्रॉपर्टी सारे उसके लीगल एज को मिलेगी अगर उसने कोई विल नहीं बनाया है इफ ए डाइड इन टेट तो इस सिचुएशन में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पोजेशन इज ट्रांसफर तो ये होगा डिफरेंट मोड्स जिसमें पोजेशन ट्रांसफर होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनरशिप की तो बिफोर स्टार्टिंग विथ ओनरशिप आई वांट टू आस्ट कि आप लोगों में से किसी को भी पोजेशन में कोई डाउट है क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर हम समझे डे टू डे लाइफ से तो हमें समझ में आएगा कि क्या होता है पोजेशन क्या नहीं होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं एंड इफ इवन द डिफरेंट काइंस हमें बस नाम याद रखने बट हम काइंड को बहुत कनेक्ट कर सकते हैं अभी मैं आपसे ओनरशिप डिस्कस करूंगी तो आप ओनरशिप से भी पोजेशन को बहुत हद तक कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ओनरशिप का एक पार्ट होता है पोजेशन पोजेशन से हमारा ओनरशिप डिराइव होता है तो उस सिचुएशन में आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए हम डिस्कसिंग दीज टू कॉन्सेप्ट टुगेदर आज के क्लास में सो ओनरशिप स्टार्ट करते हैं सो so, ओनरशिप में क्या है इट इज द रिलेशन दैट अ पर्सन हैज विथ एन ऑब्जेक्ट दैट ही

ओनरशिप तो एक ही है बट एक राइट right तो बी के पास चली गई ना की, कि उस पे से एक पैसेज यूज कर सकता है right चली गई। तो ओनरशिप right क्योंकि ये बंडल ऑफ राइट बाकी सारे राइट मेरे पास है ओनरशिप फ्लोज फ्रॉम पोजेशन मतलब जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर पोजेशन है मेरे पास चीज का तो अदर पर्सन हैज बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैं ओनर नहीं हूँ जैसा पोजेशन एंड ओनरशिप में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो पोजेशन में सिर्फ फिजिकल कंट्रोल होता है ओनरशिप में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है फिजिकल कंट्रोल जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स केस में था कि ओनर आता है तो मेरा टाइटल थॉरिटी है कोई भी एक्स पर्सन आ जाए मेरे पास जो अथॉरिटी है वो परफेक्ट है लिमिटेड कॉन्सेप्ट है पोजेशन और ये एक बंडल ऑफ राइट है यहाँ पर पोजेसरी रेमेडीज होती है और यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेमेडी होती है मतलब कि यहां पर आपके पोजेशन से रिलेटेड रेमेडी मिलेगी और यहाँ पर आपका ओनरशिप से रिलेटेड रेमेडी रेमेडी मिलेगी मिलेगी मेरा टाइटल से रिलेटेड तो बेसिक क्योंकि के बाद ही हमारा ओनरशिप डिसाइड होता है अब ऑस्टिन का देखते हैं कि डिफरेंट जूरिस ने क्या स्टार्ट विद ऑस्टिन का कहना था ओनरशिप अ राइट स्ट एवरी वन हु इज सब्जेक्ट टू द लॉ मतलब कि एक ऐसा राइट ऐसा लॉ मतलब अवेलेबल है बाकी सबके अगेंस्ट ये राइट अवेलेबल है और इट इज अ राइट इनडेफिनाइट इन पॉइंट ऑफ यूजर मतलब मैं इनडेफिनेटली उसको यूज कर सकती हूँ अनरिस्ट्रिक्टेड है डिस्पोजिशन में और अनलिमिटेड है ड्यूरेशन में ड्यूरेशन वाइज अनलिमिटेड हो गया डिस्पोज ऑफ करने के लिए अनस्ट्रिक्टेड है और period के लिए आई कैन यूज इट क्रिटिसाइज हुआ था इसको काफी grounds पे criticize किया था तो हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है तो सबसे पहले ये कहा कि ये एक सिंगल राइट right नहीं थी जो ऑस्टिन ने कहा कि इट इज अ राइट इट इज नॉट वन सिंगल राइट रादर इट इज अ बंडल ऑफ राइट क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर राइट right, जैसे कि right था, अगर किसी को हमने लीज right पर दे दिया किसी को तो ऑल दो एक पर्टिकुलर राइट पोजेशन चला गया बट ओनरशिप इज स्टिल ट्रांसफर कर दिया या इजमेंट्री राइट right किसी की एक्सेप्ट कर ली तो उस सिचुएशन में मेरा राइट वोट गेट अफेक्टेड तो ये एक बंडल ऑफ राइट है नेक्स्ट डिस्पोजिशन तो है वो हम किसी भी मोड से कर सकते है वो मेरे, मेरे पास इनडेफिनाइट राइट right है ये कहना था ऑस्टिन का बट हम उस तरह से नहीं कर सकते विच इज इंजूरियस टू अदर्स जैसा की हम अपने जमीन पर कुछ ऐसा चीज नहीं ला सकते हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं ला सकते हैं अपने लैंड पर जो हमारे कंट्रोल से अगर बाहर जाता है तो विच इज इंजूरियस टू तो अदर्स जैसे रायल के केस में था सो so, सेम चीज कि हम अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज नहीं कर सकते विच इज इंजूरियस टू अदर पर्सन नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन पावर ऑफ डिस्पोजल मतलब डिस्पोज ऑफ करने के भी पावर पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अब वो कैसे लगेगा तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है सेक्शन फिफ्टी का ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो सेक्शन ये कहता है कि हम ऐसा कोई भी डिस्पोजिशन नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी का जो हम क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के परपज से कर रहे हो वहां पर रेस्ट्रिक्शन आता है अगर हम क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वहां पर लॉ हमें ट करता है फ्रॉम डिस्पोजिंग तो ये तीन ग्राउंड पर ऑस्टिन के डेफिनेशन को काफी क्रिटिसाइज किया गया था बाकी जूरस्ट का देखते हैं तो बाकी जूरस्ट में हॉलैंड का पहले डिस्कस करते हैं हॉलैंड का कहना था कि ओनरशिप एज अ प्लीनरी कंट्रोल ओवर द एन ऑब्जेक्ट मतलब एक एब्सोल्यूट कंट्रोल है ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ पर तीन तरह के पावर होते हैं पोजेस करने का एंजॉय करने का एंड डिस्पोज ऑफ करने का ये हॉलैंड ने कहा था नेक्स्ट Salman ने कहा ओनरशिप क्या डिनोट करता है तो मेरे मेरे पास पास एक और और उसके चीज को लेकर के, जो भी है, इस, इस पेन को प्रोजेस करने ओन करने के लिए मेरे पास जो भी राइट्स आई कैन यूज दिस पेन आई कैन थ्रो दिस पेन आई कैन डिस्ट्रॉय दिस पेन जो भी राइट्स है या फिर आई कैन गिफ्ट यू दिस पेन ये सारे राइट्स डिनोट होते हैं ओनर नेक्स्ट इज हिबर्ट हिबर्ट ने कहा कि चार राइट्स इन्वॉल्व होते हैं ओनरशिप में पहला राइट ऑफ यूजिंग द थिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर पेन को नेक्स्ट इज एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट आई कैन एक्सक्लूड एनी वन ऑफ यू फ्रॉम यूजिंग दिस पेन क्योंकि ये मेरा है तो मैं मना कर सकती हूं कि आप नहीं यूज करोगे नेक्स्ट इज द डिस्पोजल ऑफ द थिंग मैं इसको जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना आई कैन थ्रो दिस पेन अवे आई कैन यूज़ फॉर राइटिंग, ये मेरा यूजिंग होगा एंड नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग मैं इस पेन को तोड़कर फेंक भी सकती हूँ तो डिस्ट्रॉय करने का भी राइट right ओनर के पास होता है ये कहना था हिबर्ट का नेक्स्ट देखते हैं सो नेक्स्ट इज क्या क्या एलिमेंट्स मिले तो हमने जो ये चार डेफिनेशन देखे उससे हमें जो एलिमेंट्स मिले हैं ओनरशिप के पहला कि पोजेशन होगा हमारे पास नेक्स्ट हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं इसको हम खत्म भी कर सकते हैं यूज करते करते स्पेन की रिफिल में खत्म कर सकती हूँ एंड नेक्स्ट इज रेसिडरी कैरेक्टर का होता है इवन दो हमने कुछ राइट right दे दिए हैं बट स्टिल बहुत सारे राइट्स मेरे पास होते जो बंडल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट था कि मैंने कुछ राइट्स अगर दे भी दिए बट स्टिल कुछ राइट्स मेरे पास रहते हैं इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल राइट ये बंडल ऑफ राइट्स है एंड लास्ट इज की राइट टू यूज डिस्ट्रॉय एंड एलियनेट तो मेरे पास राइट right है कि मैं इसको यूज करूं डिस्ट्रॉय करूं एलियनेट करूं कुछ भी करूं सिंस आई हैव द ओनरशिप तो ये चार एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे जो हमने बाकी डेफिनेशन से देखा सब में कॉमन ये चार एलिमेंट्स ही थे कि कर कर सकते कर सकते हैं, बंडल ऑफ राइट्स है एंड वी कैन यूज डिस्ट्रॉय एलिनेटेड नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट मोड्स क्या होता है ओनरशिप अक्वायर करने का हम डिफरेंट क्या क्या मोड से ओनरशिप अक्वायर कर सकते फर्स्ट इज ओरिजिनल अब ये सेम है आप पोजेशन वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर करना इसको कनेक्ट करना सो ओनरशिप इज अक्वायर्ड बाय सम पर्सनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अक्वायरर अब अक्वायरर ने कोई पर्सनल एक्ट किया है जिसकी वजह से उसे ओनरशिप मिली है अब ये तीन तरह का होता है पहला एब्सोल्यूट यहाँ पे ओनरशिप ऑन प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट जैसा कि स्ट्रीट डॉग्स की मैंने बात की थी स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग है मैंने इसको अपने घर पे आने दिया और अब मैं बोल रही कि ये मेरा डॉग है उसका कोई ओनर नहीं था सो यहाँ पर मेरे पास एब्सोल्यूट ओनरशिप है बट किसी और और के डॉग को तो अगर मैं मैं अपने घर पे ले और वो कि ये मेरा है तो मेरे पास एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं आएगी सो ये हो गया एब्सोल्यूट ये सेम चीज हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस वाले में जो पोजेशन का हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियसली अगर किसी के कोई ओनर किसी के पोजेशन में नहीं है तो उसे हम ले सकते हैं तो वहां पर उस तरह से पोजेशन अक्वायर होता है तो सेम इज ओनरशिप का भी नेक्स्ट इज एक्सटेंटिव ओनरशिप बाई एक्सटिंग द टाइटल ऑफ प्रीवियस ओनर हमने प्रीवियस ओनर के टाइटल को एक्सटिंग्विश करके रही हूँ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मुझे बताने वाले हो कि क्या होता है जब एडवर्स पोजेशन आता है डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स की एक्चुअल एडवर्स पोजेशन अक्वायर करने का ड्यूरेशन क्या होता है बोथ इन केस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट इंडिविजुअल गवर्नमेंट केस में दोनों केस में क्या ड्यूरेशन होता है सो so, एडवर्स पोजेशन में मैं आपकी चीज को यूज कर रही हूँ अपना बना करके और मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मेरा है आपने मुझे कभी नहीं रोका तो यहां पर मैंने आपका ओनरशिप टाइटल को एक्सटिंग्विश करके आई एक्सटिंग्विश योर टाइटल एंड मेड इट माई तो ये होता है बाई एक्सटेंटिव वे से एक्सटेंटिव एक मोड होता है जिसके जिसके थ्रू जिसके वाया हमने ओनरशिप अक्वायर की है नेक्स्ट इज असरी ओनरशिप बाई वे ऑफ अक्सटिस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में थ्रू हमने ownership अब इसका क्या मतलब होता है समझना जैसे -right. पहले मैं इजमेंट्री राइट -right से समझाती हूँ ए और बी है ये लैंड है अब बी का घर ऐसा है इस जगह सिचुएटेड है कि उसे ए के लैंड से पास करना ही पड़ेगा तो ये हो गया इजमेंट्री राइट अब यहाँ पर बी ने कुछ एक्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज उसका घर ऐसी जगह सिचुएटेड है उस वजह से उसको इजमेंट्री राइट मिली है तो ये किस वजह से मिली है ये असेशन की वजह से मिली है दूसरे एग्जांपल में देती हूँ जैसे ए के पास एक क्लॉथ है ठीक है एक कपड़ा है बी ने क्या किया उस पर अपना एक लेस यूज करके इसके बॉर्डर पर लगा दिया ठीक है अपना अपना कोई लेस यूज करके इसके बॉर्डर पर लगा दिया तो बी ने कुछ एड ऑन किया ऑल दो ओनरशिप एक ही है बट बी के ओनरशिप बाई असेशन है क्योंकि उसने कुछ एड ऑन किया उसपे तो ये होता है ओनरशिप बाई असेशन। नेक्स्ट मोड देखते हैं डिराइवेटिव मोड तो यहां पर क्या होता है ओनरशिप इज डेराइव्ड

एंड अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड की ये तो बात हो गई अब तक की मोड क्या होता है ओनरशिप का डेफिनेशन क्या है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट आई बी डिस्कसिंग फॉर टूडेज सेशन कि डिफरेंट काइंड क्या होते हैं ओनरशिप के आप यहां पर भी देखना आपको मोर और सेम लगेंगे विथ पोजेशन ठीक है स्टार्ट so करते हैं अब तक कोई अगर डाउट हो तो डू लेट मी नो कि ये डाउट है आई क्लियर इट आउट ऑल द टॉपिक बहुत इजी है बट इससे क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है कि किस तरह से अक्वायर किए गए पोजेशन को क्या बोलते हैं किस तरह से अक्वायर की गई ओनरशिप को क्या बोलते हैं ओनरशिप और पोजेशन के बीच में क्या डिफरेंस आता है किस जूरिस ने क्या डेफिनेशन दिया था इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते कि इस जूरिस ने ये डेफिनेशन दिया था ये इन जूरस्ट का क्या डेफिनेशन था ये ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने बताया था सो so, काइंड से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज कॉर्पोरियल ओनरशिप एंड इन कॉरपोरियल इन कॉर्पोरियल ओनरशिप सो जैसा हमने पोजेशन के टाइम पे भी पढ़ा था कि टैंजबल चीजें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओनरशिप इज मटीरियल ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इन इट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल ओनरशिप जैसे कि लैंड हाउस एक्सेट्रा वॉच पेन एक्सेट्रा जिसको हम टच कर सकते हैं उसका उस पे हमारा कॉर्पोरियल ओनरशिप है इनकॉरपोरियल मतलब सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी टच वो इनकॉरपोरियल चीजों का होता है सब्जेक्ट मैटर को हम टच नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में ओनरशिप हमारी क्या होती है इनकॉरपोरियल जैसे कि पेटेंट कॉपी राइट गुडविल ये सारी चीजें होती है हमारी इनकॉरपोरियल ओनरशिप में नेक्स्ट इज सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप तो सोल ओनरशिप में आता है कि जब एक सिंगल पर्सन वन सिंगल पर्सन इज वेस्टेड विथ ओनरशिप जैसे ये पेन सिर्फ मेरा है तो उस सिचुएशन में आई एम द सोल ओनर ऑफ दिस पेन बट को ओनरशिप में क्या होता है एक से ज्यादा लोग ओनर होते हैं जैसे ये पेन दस रुपए का है इस पेन को खरीदने के लिए मैंने पांच रुपए दिए और एक्स ने पांच रुपए दिए तो हम दोनों इस पेन के ओनर हैं जैसे

एंड कंटेंजेंट ओनरशिप अगेन ये नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है कि वेन द टाइटल ऑफ द ओनर इज ऑलरेडी परफेक्ट दैट इज एप से मैंने आपको दस रुपए दे दिए आपसे मैंने ये पेन ले लिया ठीक है तो मेरा टाइटल ओवर दिस पेन इज ऑलरेडी परफेक्ट मैंने आपको दस रुपए दिया आपसे मैंने ये पेन ले लिया माई टाइटल इज ऑलरेडी परफेक्ट है तो मेरे पास वेस्टेड ओनरशिप है में क्या होता है कि कुछ एक कंडीशन फुलफिल करने का हम वेट करते हैं या तो प्रायर में या बाद में तो उसके बाद ओनरशिप वेस्ट होती है इसमें क्या है व्हेन टाइटल ऑफ द ओनर विल बिकम परफेक्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन ये कंडीशनल होता है अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई ठीक है इफ वी फुलफिल दैट कंडीशन इन दैट सिचुएशन वेस्टेड ओनरशिप आएगा अदरवाइज वो नहीं आएगा सो कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकता है और कंडीशन सबसीक्वेंट भी हो सकता है मतलब अभी भी मिल सकता है बाद में भी मिल सकता है जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी बी को कि आप ये रखो एंड अगर आपके डेथ के पहले ठीक है अगर बी के डेथ के पहले सी का डेथ हो जाता है ठीक है तो प्रॉपर्टी जाएगी डी को अगर सी का डेथ नहीं होता है तो प्रॉपर्टी जाएगी सी को अब यहां पर डी का जो ओनरशिप है वो कंटेंजेंट है किस पॉइंट पे कि सी का डेथ बी के डेथ के पहले हो ठीक है ये समझ में आए तो यहां पर एक कंडीशन फुलफिल होना है अब अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो डी को ओनरशिप मिलेगी नहीं होता है तो सी को ओनरशिप मिलेगी तो ये होता है कंटेंजेंट ओनरशिप नेक्स्ट इज लीगल ओनरशिप एंड इक्विटेबल ओनरशिप ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सो so, इसमें क्या है ओनरशिप हैज इट्स ओरिजिन एंड कॉमन लॉ आपका से derive होता है और कोर्ट्स में आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं enforce करा सकते हैं इक्विटेबल ओनरशिप आपका rules of इक्विटी से आता है और ये इक्विटी कोर्ट्स में ही डिटरमाइन होता है ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है इंडिया में वी ओनली हैव लीगल ओनरशिप हमारा लीगल या इक्विटेबल ओनरशिप में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इंडिया में एंड लास्ट जो हम डिस्कस इज ट्रस्ट

सी को मिलेगा ये अरेंजमेंट में बी के पास पोजेशन है बी के पास ओनरशिप भी है बट बेनिफिट किसको जा रहा है बेनिफिट जा रहा है सी को तो बी है ट्रस्ट ओनर सी है बेनिफिशियल ओनर सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप दैट इज प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू पर्सन यहाँ पर दो पर्सन के पास है एंड वन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर एंड द अदर इज फॉर हूज बेनिफिट द प्रॉपर्टी इज यूज एक पर्सन जिसको

कि हमारे पोजेशन में क्या काइंस होता है ओनरशिप में क्या काइंस होता है मोड्स किसे किस मोड से हम अक्वायर कर सकते हैं किस जूरस ने क्या डेफिनेशन दिया था डिफरेंट फीचर्स फैक्टर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में डिस्कस कर ली सो so, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट में डाउट है आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्लास विल बी योर लास्ट क्लास फॉर यूर सो इफ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन तो आप ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं भूलना है जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ दैट गो टू सर्च बार ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज हमारे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें मोटिवेट कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे एंड अगर आपको अपना प्रिपरेशन चेक करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो डू अपियर इन आर मॉक टेस्ट सीरीज विल फाइंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन